आज मला जितका आनंद झाला या सणासाठी मी तुमच्या सोबत आहे. मला असं वाटतं की कुठेही वृद्ध आश्रम व्हायला नको. मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है कि थोड़ा सा वक्त ही क्यों ना सही, लेकिन आप लोगों के बीच में आकर दिवाली जो रोशनी का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार और जो खुशियों का त्यौहार है, वो खुशियों का त्यौहार आप लोगों के साथ मैं कुछ पल बिताऊं. मैं औरंगाबाद शहर का खासदार चुनकर आया, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से चुनकर आया. बस आप लोगों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपकी अपनी प्रार्थनाओं में हमें भी याद रखिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो भी बेहतर हो सकता है, जो भी काम हमारे से मुमकिन हो सकता है, वो हम पूरा करेंगे. मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैं खासदार की हैसियत से नहीं आया हूँ यहाँ पर, बल्कि आपके बेटे की हैसियत से आया हूँ. मैं आपका बच्चा समझिएगा मुझे, आपका बेटा समझिएगा मुझे. और सिर्फ आज के दिन ही नहीं समझिए, ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन के लिए आया हूँ. मैं मेरा पता यहाँ पर छोड़कर जाऊँगा, मेरा टेलीफोन नंबर यहाँ पर छोड़कर जाऊँगा. अगर किसी भी माता पिता को, किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं किसी काम आ सकूँ आप लोगों के लिए, तो आप कभी भी मुझे दिन रात जब चाहे, आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अगर आपके काम आ सकूँ तो मुझे बिना झिझक आप मुझे कॉल करिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ आऊँ, आप लोगों के साथ वक्त बिताऊँ. मैं यहाँ पर आया तो था सिर्फ ये देखने के लिए कि ये आश्रम कैसा है, कितने लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जब मुझे यहाँ के जिम्मेदारों ने बताया आप लोगों के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाद में भी मैं यहाँ पर आऊँगा और जिस दिन भी आऊँगा उस दिन दिवाली समझ कर आऊँगा. यहाँ पर खुशियाँ आप लोगों के साथ बांटेंगे, हम लोग साथ में मिलकर रहेंगे. आप लोगों से सिर्फ इतनी ये है कि मुझे मालूम है कि यहाँ पर आना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर खुद आपका एक परिवार बन गया है. यहाँ पर आप लोग जब आए थे तो अलग अलग जगह से आए थे, आप एक दूसरे को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन आज सुख दुख आप लोग आपस में ही बांटते हैं. आपके इस परिवार का हिस्सा अब आज से आप मुझे भी बना लीजिएगा, मैं भी आपके इस परिवार का हिस्सा बन चुका हूँ. तसा माझी मराठी इतकी चांगली नाही आहे, बोलण्याचा प्रयत्न करतो. मला माहित आहे की तुम्हाला हिंदी काहीतरी कळत असेल म्हणून मी बोलण्याचा प्रयत्न करतो, पण इतकी चांगली नाही आहे मराठी माझी, कारण माझं शिक्षण जे झालेलं आहे ते इंग्रजी मीडियम मध्ये झालेलं आहे. पण मी असं मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करतो. कोणी लोक मला बोलतात की तुम्ही किती बरोबर मराठी बोलत नाही, पण मी तरीही बोलण्याचा प्रयत्न करतो. मी फक्त आज आपल्याला सगळ्यांना दीपावलीचा हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि हे आश्वासन देतो की तुम्हाला कधीही माझ्या वतीने कोणताही काम राहिला तर तुम्ही इथे जे पदाधिकारी आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधून मला थेट कॉल करू शकता आणि तुम्ही बघेल की तुमचा मुलगा तुमच्यासाठी धावत येईल आणि तुमचं जे काम येईल ते मी करण्याचा प्रयत्न करेल. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद आपल्याला.